अब यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग ग्राउंड का रेडियस लेवल फाइंड आउट कर लिया है, अब हमको अर्थवर्क कैलकुलेट करना है। जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड का एग्जिस्टिंग एरिया है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अर्थवर्क कैलकुलेशन शीट बनाई हुई है, जिसमें हमने नेम ऑफ रोड, ब्लॉक कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कितनी लेंथ की रोड है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, चेनेज इंटरवल क्या है वो भी लिखा हुआ है, विड्थ ऑफ कैरियज वे यहाँ पे 5.50 हमने लिया हुआ है, फॉर्मेशन विड्थ 10 मीटर ली है, टॉप विड्थ हमने 4 मीटर ली है और बॉटम विड्थ हमने 5 मीटर लिए हैं। वैसे विड्थ ऑफ द शोल्डर 0.5 मीटर लिया है और स्लोप हमने 2:1 लिया है। तो इसका यूज़ हम यहाँ पे अर्थवर्क कैलकुलेशन में करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लेवल कैलकुलेशन शीट में रिड्यूस लेवल निकाला था उसको हम अर्थवर्क कैलकुलेशन शीट में लिंक कर देंगे। तो लिंक करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और लेवल कैलकुलेशन शीट में जाके जिसका डेटा हमें लिंक करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने L4 की रीडिंग को सेलेक्ट कर लिया है, अब हम एंटर प्रेस करेंगे। तो हमने L4 की रीडिंग को यहाँ पे लिंक कर लिया। अब हमें L4 से R4 तक सारी रीडिंग यहाँ पे लिंक करनी है। तो इसको सिंपल यहाँ पे L4 की रीडिंग को सेलेक्ट करके और R4 तक यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सारे जो वैल्यूज़ हैं वो लेवल कैलकुलेशन शीट से लिंक हो जाएगा। वैसे सारे चेंजेस पे भी सेम वैल्यूज़ अप्लाई करनी है, सेम हमें रिड्यूस लेवल को लिंक करना है, तो सबको सेलेक्ट करके L4 से R4 तक, तो इसको लेफ्ट क्लिक करके और नीचे जहाँ तक हमें लिंक करना है वहाँ तक हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो 1 किलोमीटर लेंथ का सेक्शन है हमने हमारा, तो वहाँ पूरा हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी रिड्यूस लेवल की वैल्यू जो हमने लेवल कैलकुलेशन शीट से निकाली थी वो यहाँ पे लिंक हो गई है। अब यहाँ पे हमको ग्राउंड लेवल एवरेज, टॉप लेवल एवरेज, एवरेज डेप्थ, टॉप विड्थ, बॉटम विड्थ और एग्जिस्टिंग एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है एग्जिस्टिंग ग्राउंड का। तो सर्वेयर ने हमको 9 रीडिंग प्रोवाइड की थी एग्जिस्टिंग ग्राउंड पे, जिसमें से जो 4 रीडिंग है वो L4, L3, R3, R4 ये हमारे पास नेचुरल ग्राउंड लेवल यानी एग्जिस्टिंग ग्राउंड के बॉटम पोर्शन पे दी गई है, और जो 5 रीडिंग है L2 से R2 तक वो हमारे एग्जिस्टिंग ग्राउंड के टॉप पे दी गई है। तो जो टॉप हमारा होता है एग्जिस्टिंग ग्राउंड का वो टॉप विड्थ कहलाता है और जो बॉटम डिस्टेंस होती है एग्जिस्टिंग ग्राउंड की वो बॉटम विड्थ कहलाती है। तो ग्राउंड लेवल एवरेज बेसिकली जो होता है एवरेज ऑफ RL टेकन ऑन NGL, NGL पे जो जितने भी हम रीडिंग्स लेंगे उनका एवरेज हमारा ग्राउंड लेवल एवरेज कहलाएगा। तो यहाँ पे 4 रीडिंग हमने ग्राउंड नेचुरल ग्राउंड लेवल पे ली है, L4, L3, R3 एंड R4। तो इसका ग्राउंड लेवल एवरेज हो जाएगा इक्वल टू L4 प्लस L3 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 रीडिंग है यहाँ पे। वैसे ही जो टॉप पे हमारा जो रीडिंग ली गई है उनका एवरेज हमारा टॉप लेवल एवरेज कहलाएगा। तो टॉप लेवल एवरेज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज ऑफ RL टेकन ऑन एम्बैकमेंट टॉप। तो एम्बैकमेंट के टॉप पे जो भी RL हम ले रहे हैं उनका एवरेज हमारा टॉप लेवल एवरेज कहलाएगा। तो यहाँ पे 5 रीडिंग हमने ली है तो टॉप लेवल एवरेज इक्वल टू हो जाएगा L2 प्लस L1 प्लस सेंटर प्लस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि यहाँ 5 रीडिंग है। वैसे ही टॉप लेवल एवरेज और बॉटम लेवल एवरेज जो ग्राउंड लेवल एवरेज है उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा एवरेज डेप्थ कहलाता है। अब हमको ग्राउंड लेवल एवरेज निकालना है। तो ग्राउंड लेवल एवरेज हमने जैसे देखा कि जो नेचुरल ग्राउंड लेवल पे जितने पॉइंट्स लेंगे उनका एवरेज होता है, तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल पे, तो R4, R3 एंड L3, L4। तो इनका एवरेज लेंगे हम, इक्वल टू प्रेस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, R4 को सेलेक्ट करेंगे प्लस R3 को सेलेक्ट करेंगे, फिर से प्लस लगाएंगे, L3 प्लस L4, ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड लेवल एवरेज निकल आया। वैसे ही टॉप लेवल एवरेज जो टॉप पे एम्बैकमेंट के टॉप पे हमने जो 5 रीडिंग ली थी उनका एवरेज होगा, इक्वल टू प्रेस करेंगे, एवरेज हम फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट और L2 से R2 तक हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉप लेवल एवरेज भी निकल आता है। अब ऐसे ही हमारा एवरेज डेप्थ क्या होगा, तो टॉप लेवल एवरेज माइनस ग्राउंड लेवल एवरेज हम कर देंगे तो एवरेज डेप्थ निकल आएगी, इक्वल टू टॉप लेवल एवरेज को सेलेक्ट करेंगे माइनस ग्राउंड लेवल एवरेज को हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ से हमने तीनों डेटा यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब टॉप विड्थ हमने 4 मीटर ली है तो यहाँ पे 4 मीटर हम लिख देते हैं और बॉटम विड्थ हमारी 5 मीटर है तो 5.0 मीटर हम लिख देते हैं। अब ये सब हमने रीडिंग ले ली है
अब हम इस यानी हमने ये 0 मीटर चेनेज इंटरवल के लिए सारे रीडिंग निकाल लिए हैं, अब हमें अन्य जो चेनेज इंटरवल्स हैं उनके लिए भी सेम रीडिंग सेम फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। तो सब ग्राउंड लेवल से टॉप बॉटम विड्थ हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे इसको ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक हर चेनेज इंटरवल के लिए ये सारी वैल्यूज निकल आएगी। अब हमको एग्जिस्टिंग एरिया यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है टी प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 × डी। इसको देखते हैं क्या है। तो एग्जिस्टिंग एरिया का फॉर्मूला होगा एग्जिस्टिंग एरिया इक्वल टू टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ डिवाइडेड बाई 2 × एवरेज डेप्थ। तो जो हमने एक्सेल में दिखाया टी यहाँ पे टॉप विड्थ होगी, बी यहाँ बॉटम विड्थ होगी और डी यहाँ पे हमारा एवरेज डेप्थ होगा। तो एग्जिस्टिंग एरिया का जो टॉप में जो डिस्टेंस है वो टॉप विड्थ कहलाएगी और बॉटम में जो डिस्टेंस है वो बॉटम विड्थ कहलाएगी और दोनों का डिफरेंस हमारा एवरेज डेप्थ होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एग्जिस्टिंग एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जिस्टिंग एरिया का हम फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ से इक्वल टू प्रेस करेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे, टॉप विड्थ को सेलेक्ट करेंगे प्लस बॉटम विड्थ को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे हम, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इंटू यहाँ पे डेप्थ को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ से हमारा एग्जिस्टिंग एरिया निकल आता है। अब अन्य चेनेज के लिए भी सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसको सेलेक्ट करके अब हम नीचे तक यहाँ ड्रैग कर देंगे। तो एग्जिस्टिंग ग्राउंड के रिड्यूस लेवल से हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग एरिया को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पे फॉर्मेशन ग्राउंड का फॉर्मेशन लेवल यहाँ पे निकालेंगे, उससे प्रपोज्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे और उसी से हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं फॉर्मेशन लेवल क्या होता है और कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं।